सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया के लिए 2011 वर्ल्ड कप चैंपियन बनना गौरव का पल है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 28 साल का सूखा खत्म करते हुए दूसरी बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता। हाल ही में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की 7वीं सालगिरह मनाई। तत्कालीन कप्तान MS धोनी को उसी दिन यानी 2 अप्रैल 2011 को भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया, जिस दिन भारत ने साल 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। मगर वो वर्ल्ड कप एक बार फिर से चर्चा और सवाल के घेरे में आ गई है। दरअसल उस समय वर्ल्ड कप में शामिल टीम के हर खिलाड़ी को हीरो बनाया गया था, मगर उन्हीं खिलाड़ियों में से किसी एक पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। हालांकि उस क्रिकेटर पर घरेलू T20 टूर्नामेंट में फिक्सिंग का शक है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच फिक्सिंग के आरोप में 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के एक सदस्य की जांच की जा रही है। आरोप है कि इस सदस्य का मैच फिक्सिंग से लिंक है। इस मैच फिक्सिंग सिंडिकेट ने पिछले साल जुलाई में जयपुर में एक डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट भी आयोजित करवाया था। राजपूताना प्रीमियर लीग यानी RPL BCCI की एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट की रडार पर आ गया था। अब राजस्थान पुलिस की CID टीम इसकी जांच कर रही है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।